नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक गोपालगंज, दूसरा मोकामा, एक और जहां इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के प्रचार प्रसार में बीजेपी और महागठबंधन पूरी एरी चोटी की जोड़ लगा रही है। वहीं इस उपचुनाव को लेकर के मोकामा में मनोज तिवारी बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के लिए प्रचार करते नजर आ रही हैं। जिस प्रचार प्रसार में मनोज तिवारी जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे लंबा और सबसे ज्यादा भाव से आज अगर हम किसी को प्रणाम करने आए हैं तो वो अपने मोकामा के भैया बहन जज लोगों को प्रणाम करने आए हैं, जिनके सामने बड़ा निर्णय। एक भाई हमारा बोल रहा था, भैया मुरेठा बांध लो, भैया थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। तो देखो, मुरेठा तो हम बांधते ही रहते हैं, लेकिन हम एक कहीं भावना के साथ मुरेठा बांधने चाहते, मुरेठवा बांध ली मनोजवा तो इज्जत राख लिया जाए। ये मुरेठा तो बहुत इज्जत की चीज होती है। ये मुरेठा आप लोग चाहते हैं कि मैं बांध लो? हमारी दीदी लोग आप चाहते हो बांध लो? लो भैया बांध लेता हूँ। आपने हमको बहुत बार देखा होगा सिनेमा में भी, बदले बानी कोई और नहीं बांधता है, मैं अपना मुरेठा खुदे बांधा करता हूँ। मुरेठा आज ऐतिहासिक मुरेठा बनने वाला है, ये मैं अपने से नहीं बांधा, तो आप लोगों के कहने से बांधा। एक बिहारी सब पे भारी और एक मोकामा वासी तो पूरा दुनिया के उठा ली सरकार। अब हम भी आज बड़ा बतिया सुनत आनी तो बड़ी बात के एक बात को दस तरह से गुन रहा हूँ। अभी जब तार किशोर प्रसाद भैया बोल रहे थे, सिन्हा जी बोल रहे थे, हम सभी लोग आज किसके लिए आए हैं? आप समझते होंगे हम सिर्फ भाजपा के लिए आए हैं, आप समझते होंगे हम सिर्फ अपनी प्रत्याशी सोनम देवी जी के लिए आए हैं, तो शायद आप कम सोच रहे हैं भैया, आज हम मोकामा और बिहार के भविष्य के लिए आए हैं। ये मोकामा का चुनाव हमको तो नहीं पता था कि अचानक बीच में आवे के पड़ी मनोजवा और आके करे कहे के पड़ी कि हम सोनी सब के गोल ला गई हो। हम तो दूसरी बार दिल्ली का सांसद भी हूँ, तो इसमें केवल मेरी बड़ाई नहीं है, मैं बिहार के बल पे ही कहीं का सांसद हूँ। मेरे भाई आप सब मोकामा के लोगों के बल पे हूँ। हम नरेंद्र मोदी के साथ, कौन नरेंद्र और जैसा कि उन्हीं लोगों की लगाई आग के कारण आज यहाँ दोबारा चुनाव हो रहा है। विजय संजीव भाई, शंभू पटेल जी, अब तो शंभू पटेल हमारे संगे आ गए हैं, अब ये राज्यसभा सदस्य बन गए तो दिल्ली हमारे साथ रहेंगे। हे हमारे भाई लोग, दीदी लोग, हमारी जो प्रत्याशी सोनम देवी जी है, आपको पता है वो इसी समय छठ का त्योहार भी कर रही थी। उन्होंने चुनाव के लिए छठ का त्योहार नहीं छोड़ा, इसलिए बोलिए छठी मैया की जय। हम तो छठ का भी गीत गाते हैं, हम तो बार बार कहते हैं बांस के बहलिया, आप लोग भी गाते हैं ना, बहंगी लचकती जा
महंगी लचकती जा बनले बाबा मुरे था मनोजवा। किसके कहने से बांधा? कहने से यहाँ के मुकामा के भाई बहन के कहने से बांधे हैं। अरे बनले मनोजवा मुरे था लजिया लिह जा बचा। अरे पहले पहले कमल खिली है, पहली बार 25 साल बाद तो कमल के निशान से चुनाव हो। भैया गलत नहीं है, 27 साल बाद हम पढ़ रहे थे, पता कर रहे थे क्या हो रहा है। ये हमारे भाई लोग मोकामा की कलम, अब मोकामा की कलम एक बार हमारी भाजपा की प्रत्याशी सोनम देवी को दे करके नरेंद्र मोदी के हाथ में थमा देगी। तो सुना आपने किस तरीके से मनोज तिवारी एक बिहारी सब पे भारी और मोकामा वासियों के लिए नारा लगाते नजर आ रहे हैं और साथ ही कई बातें सामने रखते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के तैयारियां हैं, ऐसे में जहां आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, मोकामा में मनोज तिवारी भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ऐसे में मोकामा में ही महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी के लिए प्रचार के लिए ललन सिंह और तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचे हुए हैं। दोनों ही अपने तरफ से पूरी जोर लगाने में लगे हैं। 3 नवंबर को मतदान होना है और उस दिन साफ हो जाएगा कि आखिर दोनों ही प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, जिसके बाद ये उपचुनाव पूरी तरह से साफ तौर पर दिखा देगा कि बीजेपी आगे रहा है या फिर महागठबंधन। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट है वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।